हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने मेथड्स देखे थे। अब इस लेक्चर में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड देखते हैं। दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या है, हर ड्राइंग के अमाउंट के लिए अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितना भी अमाउंट पार्टनर ने ड्रॉ किया है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है, इंटू मंथ्स, जो रिमेनिंग मंथ्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्टूबर में 1 अक्टूबर को वो ड्रॉ करता है, तो जो रिमेनिंग मंथ्स है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, तो उन 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सिंपल मेथड समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट ऑल द प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ड्रॉइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। हर अमाउंट को अपन उसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और वो सारे प्रोडक्ट को अपन ऐड कर लेंगे, तो वो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपन को दिया होगा, और इंटू 1/12, उसका 1 महीने का अपन अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, वो इंटरेस्ट हो जाएगा। एक बार फॉर्मूले फिर देख लेते हैं। सिंपल मेथड में क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। और प्रोडक्ट मेथड में क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये तो मेथड्स हो गए। अब अगर कोई पार्टनर मंथली ड्रॉ कर रहा है, तो उस ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा, उसके लिए अपन एक एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। अपन इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टनर है जो हर मंथ के बिगनिंग में कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट ड्रॉ करता है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन एवरेज पीरियड निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अपन फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2021। अब वो हर मंथ के बिगनिंग में अमाउंट निकालता है, तो उसने फर्स्ट टाइम कब पैसा निकाला होगा, 1 अप्रैल 2020 को। ओके, और लास्ट ड्रॉइंग उसकी कब होगी, 1 मार्च 2021 को। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग उसकी कब है, 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल एंड तक कितने महीने बचते हैं, 12 मंथ्स लिख दिया, तो 12 मंथ्स लिख दिया। अब फॉर्मूले में दूसरा पार्ट क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग उसकी कब थी, 1 मार्च 2021 को। 1 मार्च से ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2021, इसमें कितना महीना बचता है, 1 मंथ। और इन दोनों को फॉर्मूले में रख के एवरेज पीरियड निकाल दिया, 6.5 मंथ्स। मतलब अगर कोई पार्टनर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्रॉइंग करता है, तो उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कैलकुलेशन के लिए अपन एवरेज पीरियड लेंगे, 6.5 मंथ्स। सिमिलरली आगे जाते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कोई पर्सन हर मंथ के एंड में कुछ अमाउंट ड्रॉ करता है, उसकी फर्स्ट ड्रॉइंग कब होगी, मंथ के एंड में, मतलब फर्स्ट मंथ का एंड 30 अप्रैल 2020, एंड लास्ट ड्रॉइंग उसकी कब होगी, 31 मार्च 2021। अब फॉर्मूला में क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने मंथ है, 11 मंथ्स, और 31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर एंड तक के कितने मंथ्स है, 0 मंथ्स। अगेन फॉर्मूले में रख दिया, अमाउंट निकाला 5.5 मंथ्स, अगेन फॉर्मूले में रख दिया, एवरेज पीरियड निकाला 5.5 मंथ। तो अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन 5.5 मंथ्स के हिसाब से होगा। सिमिलरली अगर कोई पर्सन मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता है, हर महीने के किसी भी बीच में कोई भी दिन में पैसा निकालता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन 6 मंथ के हिसाब से होगा। ये तो हो गई मंथली ड्रॉइंग्स के बाद, अब क्वार्टरली ड्रॉइंग्स के देख लेते हैं। अगर कोई पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है कुछ अमाउंट, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्रॉइंग अपॉन 2। तो क्वार्टरली के केस में अगर बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है, मतलब वो वही 1 अप्रैल को निकाल रहा होगा, तो उसके बाद मंथ कितने बचे, 12 मंथ्स। और लास्ट में उसने कब निकाला होगा, लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में, तो लास्ट क्वार्टर में कितने महीने बच रहे हैं, 3 मंथ्स। तो कैलकुलेट करके एवरेज पीरियड निकाल लिया अपन ने, 7.5 मंथ्स। सिमिलरली अगर वो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है, तो 4.5 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और अगर मिडल में निकालता है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करनी है एट द रेट 10% पर एनम हर केस के लिए।
फर्स्ट केस क्या है, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सिंपल मेथड वाला फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू मंथ्स अपॉन 12। और एवरेज पीरियड अपन लास्ट टाइम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, अगर बिगनिंग होता है तो 6.5 मंथ्स होता है, ठीक है। 5000 पर मंथ है मतलब पूरे साल का कितना हो गया 60,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे हैं 60,000 पे 10% के हिसाब से 6.5 मंथ्स के लिए अमाउंट क्या आ गया 3,250। क्लियर। नेक्स्ट केस देखें, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सब चीज सेम है, एवरेज पीरियड देखा था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए 5.5 मंथ्स था, तो अगेन वही 60,000 का 10% 5.5 मंथ्स के लिए अमाउंट क्या हो गया 2,750। नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अपन को स्पेसिफाई नहीं दिया है कि बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ है या एंड ऑफ द एवरी मंथ है, अपन को बस बोल दिया कि 5000 पर मंथ पूरे साल भर में निकालता है वो। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, अपन को एवरेज पीरियड पता है 6 मंथ्स का है। अगेन 5000 इनटू 12 हो गया 60,000, तो 60,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए निकाल लिया अपन ने रुपीस 3000। नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट में कोई फर्क नहीं है, इसमें 5000 पर मंथ दिया था जो ईयरली 60,000 ही होता है, और इसमें डायरेक्ट ही दे दिया 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो सेम मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, 60,000 का 10% 6 महीने के लिए रुपीज 3000 हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ यू विड्रॉ एज फॉलोस। अब हर डेट के लिए अमाउंट अलग दिया है, क्या क्या दिया, 1 जून को उसने पैसा निकाला 20,000, 31 अगस्त को निकाला 10,000, 31 अक्टूबर को निकाला 18,000 और 1 फेब को निकाला 12,000। इसमें अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं, जब अमाउंट अलग अलग दिया हो और ड्यूरेशन भी अलग अलग मंथ का हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में अपन को प्रोडक्ट निकालना होगा, अपन ने डेट लिख दी उसके सामने अमाउंट लिख दिया और कितने मंथ्स बाकी है वो लिखा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जून को उसने निकाला तो ईयर एंड तो 31 मार्च 2017 में होगा, तो उसके लिए कितने मंथ्स बाकी है वो अपन ने कैलकुलेट करके इधर लिख दिया। तो 1 जून से 31 मार्च 2017 में 10 मंथ्स होते हैं, 31 अगस्त से 31 मार्च में 7 मंथ्स होते हैं, 31 अक्टूबर से 31 मार्च में 5 मंथ्स होते हैं और 1 फेब से 31 मार्च में 2 मंथ्स होते हैं। इतना हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आया, 10,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70,000 आया, 18,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 90,000 आया एंड 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24,000 आया। उसके बाद प्रोडक्ट का सम निकालना था, तो प्रोडक्ट का सम हमने निकाल लिया 3,84,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3,84,000 का 10% 1 मंथ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट केस पे बढ़े। अब ये क्वार्टरली अमाउंट है, इफ यू विड्रॉस 15,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो एवरेज मंथ अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं 7.5 मंथ्स। यहाँ पे ड्रॉइंग्स का अमाउंट देखना, 15,000 क्वार्टरली निकाल रहा है, 4 क्वार्टर होते हैं तो वो 15 × 4 मतलब 60,000 निकाल रहा है। तो इंटरेस्ट के भी से कैलकुलेट होगा 60,000 का 10% 7.5 मंथ के लिए 3,750। नेक्स्ट जैसे इफ यू विड्रॉ 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड के लिए भी अपन ने एवरेज पीरियड देखा था 4.5 मंथ्स, तो इंटरेस्ट निकाल लिया 60,000 का 10% 4.5 मंथ के लिए 2,250 आ गया। और लास्ट केस है, इफ यू विड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग मिडल ऑफ द ईच ईयर ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के मिडल में 15,000 निकाल रहा है, अगेन वही इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 60,000, उसका 10% 6 महीने के लिए हो गया 3,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंप्लीट हो गया। क्लियर है। लेट्स नाउ मूव टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन केसेस है, तीनों केस में प्रोविजंस क्या क्या होंगे वो अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट केस है, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं लिखा है तो प्रोविजन क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। सेकेंड केस है, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। उसके लिए पहले समझ लेते चार्ज और अप्रोप्रिएशन होता क्या है। चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस। मतलब अगर इंटरेस्ट चार्ज पे दे रहे हैं, मतलब फुल इंटरेस्ट अपन को देना ही है, भले ही अपने फर्म में लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। और अप्रोप्रिएशन क्या होता है, अप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन में यह होता है जितना प्रॉफिट होगा उतना इंटरेस्ट दे पाएंगे। अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट से तो जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट देंगे। अब ये केसेस देख लेते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटमेंट इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, एज अ चार्ज करना है एज अ अप्रोप्रिएशन करना है, वो नहीं लिखा है। तो उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट देंगे। इन केस ऑफ लॉसेस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर लॉस हो रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट वो अगर इंटरेस्ट के बराबर हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो पूरा इंटरेस्ट दे देना है। तीसरा केस है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ। अगर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से भी कम आ रहा है तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको अपन उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये समझ में आ गया। और तीसरा केस है व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ही ट्रीट करना है हमेशा, तो भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो पूरा इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हर केस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बताना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, और कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। केस वन, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। पहला केस क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जब 50,000 का प्रॉफिट और लॉस है उसको अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड केस देखते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% एंड द लॉसेस ऑफ द ईयर इज 50,000। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, बट उस ईयर में लॉस हो गया 50,000 का, तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लॉसेस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आया 50,000, और वो लॉसेस उन्होंने लॉसेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए 3:2 में, तो अमाउंट हो गया 30,000 and 20,000। नेक्स्ट केस है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। अब पहले देखते हैं कि प्रॉफिट जो दिया है 50,000 वो सफिशिएंट है या नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1 लाख है, तो 2 लाख का 8% हो गया 16,000 और 1 लाख का 8% हो गया 8,000 और 16,000 प्लस 8,000 हो गया 24,000। तो ये 50,000 का जो प्रॉफिट है वो अपने लिए सफिशियंट है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 50,000, जिसमें से डेबिट कर दिया अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 16,000 ए का, 2 लाख का 8% और बी का 8,000 1 लाख का 8%, दोनों का टोटल हो गया 24,000, बचा 26,000, बैलेंसिंग फिगर 26,000। अब इस 26,000 को 3:2 में बांट दिया, तो ए के लिए आ गया 15,600 और बी के लिए आ गया 10,400। ठीक है, अगला केस देखें। केस फोर है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। अभी अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, वो आ रहा था टोटल 24,000 का, लेकिन अपने पास प्रॉफिट से 15,000 का ही अवेलेबल है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 15,000 का प्रॉफिट है उसको अपन उनके कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 लाख रेशियो 1 लाख
मतलब 2:1 देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड किया 15,000 का, अब से 15,000 का ही प्रॉफिट था, तो इस 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए के आ गया 10,000 और बी के आ गया 5,000। क्लियर। एट लास्ट केस देख लेते हैं, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन लॉसेस। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, और फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 का। इस केस में देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो 2,00,000 का 8% 16,000 और 1,00,000 का 8% 8,000, टोटल हुआ 24,000। इतना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब लॉस कितने का हुआ, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में 9,000, तो वो लॉस है, उस लॉस को उनके प्रॉफिट और लॉस शेयर रेशियो में बांट देंगे 3:2 में, तो ए का अमाउंट आ गया 5,400 और बी का अमाउंट हो गया 3,600। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई डाउट नहीं होगा। अब अगले लेक्चर में अपन एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट पढ़ेंगे और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।